मित्रों कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो आज हम एम नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। यम नाम वाले व्यक्ति जो होते हैं इनका स्वभाव राजसी और रौबदार होता है और ये लोग जो है स्वतंत्रता को बहुत पसंद करते हैं। कई बार इनको दिखावा करना भी बहुत पसंद आता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हर व्यक्ति को आसानी से मैनेज करना जानते हैं और यही कारण होता है कि अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को खुद पर हावी होने नहीं देते। इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अपने दांपत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने साथी के प्रति बहुत उदार होते हैं, दयालु होते हैं और माता पिता और भाई बहन के साथ भी इनके संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर आक्रामक हो जाना, बहस करना, ये इनके स्वभाव में देखने को मिलता है और कभी कभी इनका स्वभाव काफ़ी जिद्दी भी हो जाता है। इनको अपने जीवन के लिए रोमांस आवश्यक होता है और जल्दबाजी से बचते हैं। जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं, भरोसेमंद साथी होते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूक रहते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, वफादार प्रेमी होते हैं। आप अपनी सभी जरूरतों को एक किनारे रखकर अपने प्रियजनों तथा मित्रों की सहायता करने के लिए आगे होते हैं। आप अपने विचारों का आदान प्रदान बातचीत के माध्यम से करते हैं और आप उसी को अपना मित्र बना सकते हैं जो आपके नैतिक मूल्यों से मिलते जुलते हों। आप दोस्ती की गरिमा बनाए रखना जानते हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने प्रेमी प्रेमिका का चुनाव करते हैं जो आपको नेतृत्व करने की आज़ादी प्रदान करे। आपको ऐसा ही साथी चाहिए होता है। आप चाहेंगे कि आपका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी आपके हर काम में हाँ करे और आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में आपका सहयोग भी करे, आपको स्वतंत्रता भी दे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी को ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं और जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले लोग होते हैं। एम नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के मामले में काफ़ी बेहतर रहेगा, वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत आपको अपने रोमांटिक रिश्तों के लिए कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कोई न कोई एक दूसरे को आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, इसलिए वाद विवाद बढ़ सकता है। आपके साथी में अहंकार की भावना बढ़ सकती है। इसके अलावा ये रिश्तों में तनाव का कारण भी बन सकती है। हालांकि 15 मई के बाद का जो समय मैंने बोला वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोमांटिक रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करेगा, एक दूसरे के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में वर्ष 2025 में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। और जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं वो अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए अपने साथी को अपने परिवार वाले लोगों से भी मिला सकते हैं, प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी या फिर शादी होगी, यानी प्रेम संबंध विवाह संबंध में 2025 में बदलने के पूरे चांस बनेंगे आपके लिए। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं या किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहां पर भी वर्ष 2025 आपको सफलता दिलाएगा। आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आ सकता है अगर आप साथी की तलाश में हैं तो। संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 15 मई से पहले आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे।
वैवाहिक संबंध की बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके जीवन साथी और आप दोनों के बीच तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और एक दूसरे को स्वीकार भी करेंगे और रोमांस और प्यार की संभावना बनी रहेगी। अपने साथी के साथ आप किसी न किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और उस यात्रा के दौरान आपके संबंध और मजबूत होंगे। और आप ध्यान रखें कि मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपका जीवन साथी अपने घर वालों की ज़्यादा बात करेगा, यानी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ज़्यादा बात करेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है। वहाँ पर छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। ससुराल वालों के साथ वाद विवाद से बचकर रहना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना है। और 15 मई के बाद का समय वैवाहिक संबंध के लिए भी बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो आप देखेंगे 15 मई के बाद का समय ऐसा होगा जब वाद विवाद सुलझ जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है उसे सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 15 मई के बाद का ही समय ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। रोमांस भी ज़्यादा होगा, अपने साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे और आपसी जो गलत फहमियाँ हैं वो भी समाप्त होंगी। लेकिन फिर भी तालमेल बनाकर इस वर्ष आपको चलना ही होगा। पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, वरना वैवाहिक संबंध में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 15 मई के बाद का ही समय अच्छा है। वहाँ पर प्रयास किया जा सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, चाहते हैं कि आपकी शादी हो या कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए जो आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वर्ष 2025 में वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है और उसके लिए भी 15 मई के बाद का ही समय ज़्यादा बेहतर है। उससे पहले आपको सामान्य से परिणाम मिलते रहेंगे। तो मित्रों, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में वर्ष 2025 में तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक है। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि रोजाना सुबह जल्दी उठें और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, थोड़े से चावल डालें और फिर जल अर्पित कर दें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को कम से कम अवश्य करें और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के सामने बैठकर करें, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।